देश में कभी कभी कोरोना संक्रमण के मामलों में अधिक कमी आ जा रही है तो कभी केस अचानक से ही बढ़ जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि उससे पहले 37,885 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंकाओं को काफी बल मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आई तो यह बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी, क्योंकि अमेरिका में ऐसा देखने को मिल भी रहा है। हालांकि ICMR में महामारी एवं संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने हाल ही में कहा था कि देश में तो तीसरी लहर के कोई सीधे संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामले इसकी आहट जरूर दे रहे हैं। ऐसे में आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कोरोना से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब। 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी दूसरी डोज मिस कर दी है, क्या करें? दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग कहते हैं कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगवानी है और कोविड शील्ड की डोज में करीब 3 महीने का गैप रखा गया है, लेकिन अगर किसी वजह से दूसरी डोज का अंतर बढ़ गया है तो अभी आप अपनी दूसरी डोज लगवा लें। ये गैप रखा गया है ताकि निश्चित समय के बाद एंटीबॉडी और ज्यादा बने, लेकिन अगर आपने उस समय के अंदर डोज नहीं ली है तो वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडीज बनेंगी और हो सकता है कि शरीर की टी सेल उसे पहचान कर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बना लें। तीसरी लहर आएगी तो क्या सिर्फ बच्चों को प्रभावित करेगी या बड़े बुजुर्गों को भी? डॉक्टर राकेश गर्ग कहते हैं तीसरी लहर को लेकर कई तरह के आकलन किए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना के शुरू से ही बच्चे घर में हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है और कोरोना से उनका एक्सपोजर नहीं हुआ है। बड़े बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है और कई संक्रमित होकर इम्यून हो चुके हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि घर के सभी बड़े वैक्सीन लगवा लें, उससे बच्चे बचे रहेंगे। तब तक बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। यहाँ भी कहेंगे कि कोई भी लहर हो, अगर बड़े बुजुर्ग भी लापरवाही करेंगे तो संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।